ड्रीम इलेवन विनर गाना बजाने वाले की ऐसी चमकी किस्मत, रातों रात बन गया करोड़पति। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गाना बजाने वाले एक युवक रातों रात करोड़पति बन गया। उस पर किस्मत और लक्ष्मी इस कदर मेहरबान हुई कि अब हर कोई उसकी कहानी जानना चाह रहा है। ड्रीम इलेवन विनर किसी की किस्मत कब बदल जाए, बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गाना बजाने वाला एक युवक रातों रात करोड़पति बन गया। उस पर किस्मत और लक्ष्मी इस कदर मेहरबान हुई कि हर कोई उसकी कहानी जानना चाह रहा है। प्रतापगढ़ के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाला नरेंद्र गाने बजाने का काम करता है। वह कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। वह ऑक्टोपैड प्ले करने के साथ साथ क्रिकेट का दीवाना भी है। वह ऑक्टोपैड बजाकर घर का गुजारा करता है। एक दिन में 400-500 रुपए की कमाई हो जाती है। इस बीच गुरुवार को नरेंद्र की किस्मत ऐसी बदली कि रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल में गुरुवार को आईपीएल में बेंगलुरु और पंजाब का मुकाबला था। इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने 60 रनों से जीत दर्ज की और विराट कोहली ने 47 गेंदों में 52 रन बनाए। नरेंद्र ने बेंगलुरु की टीम को फेवरेट रखते हुए ड्रीम इलेवन में अपनी टीम बनाई। टीम अच्छी बनी और मैच खत्म होने पर नरेंद्र कुमार 2 करोड़ रुपए जीत चुका था। हालांकि टैक्स काटने के बाद उसके ड्रीम इलेवन खाते में 1,40,00,000 रुपए जमा होंगे, जो सामान्य औपचारिकताएं हैं पूरी करने के बाद उसको मिल जाएंगे। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद उसका सिर्फ एक ही सपना है कि उसके पास अपना खुद का मकान हो। नरेंद्र ने बताया कि वह म्यूजिशियन है और ऑक्टोपैड बजाने का काम करता है। उसके लिए इतनी बड़ी राशि प्राप्त करना एक सपने जैसा है। किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे नरेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि इसको लत ना बनाए। यह तो भाग्य था जो उसको इतनी बड़ी रकम मिल गई। वह खुद भी खिलाड़ी है, म्यूजिशियन के साथ साथ क्रिकेट खेलना उसका शौक है। इसी कारण वह एक अच्छी टीम का चयन कर पाया।